राष्ट्रीय चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को नोटिस जारी कर 48 घंटे में जवाब मांगा है। कमलनाथ को यह नोटिस उस शिकायत के आधार पर दिया गया है जिसमें उन पर राज्य मंत्रिमंडल के सदस्य इमरती देवी को आइटम कहने का आरोप लगा है। ये शिकायत बीजेपी ने की थी। राष्ट्रीय महिला आयोग भी नाथ के बयान से असहमति जताते हुए चुनाव आयोग से उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बात कह चुकी थी। नाथ में 18 अक्टूबर को डबरा की चुनावी सभा में इमरती देवी का नाम लिए बगैर उन्हें आइटम कहा था। बीजेपी ने इस चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन बताते हुए आयोग से इसकी शिकायत की थी। आयोग ने बुधवार को नाथ को जारी नोटिस में कहा कि उनका ये कथन पहली नजर में आचार संहिता का सीधा सीधा उल्लंघन नजर आता है और इसीलिए उन्हें 48 घंटे में ये बताना होगा कि इसके लिए क्यों ना उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। आयोग ने शिकायत मिलने के बाद राज्य चुनाव आयोग से इस पर विस्तार से रिपोर्ट भी मांगी थी। आयोग ने कहा कि यदि नाथ ने समय सीमा में इसका जवाब नहीं दिया तो आयोग मामले में अपने स्तर पर कार्रवाई करेगा। उसका नाम लो, आप तो उसको मेरे से ज्यादा पहचानते हैं। आपको तो मुझे पहले ही सावधान कर देना चाहिए था। ये क्या आइटम है। अब तो राहुल गांधी ने भी कह दिया कि कमलनाथ मेरी पार्टी के, लेकिन गलत किया है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और मुझे तो यह समझ में नहीं आ रहा कांग्रेस को क्या हो गया है। कमलनाथ को राहुल गांधी कह रहे हैं कि कमलनाथ ने गलत किया, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं माफी मांगता हूं। और कमलनाथ उत्तर देते हैं, राहुल गांधी को किसी ने समझा दिया होगा, ये उनके विचार है, मैं माफी नहीं मांगूंगा। मतलब कमलनाथ ने कह दिया कि राहुल गांधी ना समझ है। किसी ने समझा दिया का मतलब क्या है? क्या बच्चे हैं जो अपने नेता को ना समझ कहता है, उसको जनता की कितनी समझ होगी? कल्पना करो मेरे बहनों और भाइयों। अब ऐसी कांग्रेस जो माता बहनों और बेटियों का अपमान करे और उनकी पार्टी में कोई कहे कि माफी मांगो तो माफी मांगने से इंकार करे, ये कमलनाथ, ये अहंकार किसी